ऑल राइट दोस्तों, आज है 5 अगस्त और आज के दिन इन्फिनिक्स की तरफ से एक और नया 5G फोन लॉन्च होने जा रहा है। ये फोन है इन्फिनिक्स नोट 40X 5G। ये फोन 15,000 के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर रहेगा 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। तो चलिए देखते हैं कि इस 15,000 के अंदर मिलने वाले 108 मेगापिक्सल के कैमरा के अलावा ऐसे और क्या क्या स्पेशल फीचर्स इस फोन के अंदर दिए गए हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले डिस्प्ले से। तो इसके अंदर मिलेगी हमें 6.78 इंच की एक फुल HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले, जिसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। और इसे आप चाहे तो अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी कि आप चाहे तो 60 हर्ट्ज पर एडजस्ट कर सकते हैं, 90 हर्ट्ज पर कर सकते हैं, और या फिर आप चाहे तो 120 हर्ट्ज पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 500 nits की आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी, साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा और पंच होल डिस्प्ले इस फोन के अंदर देखने को मिलेगी। और जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, इसके अंदर 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो और तीसरा 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। इसके कैमरा के अंदर एक स्पेशल फीचर्स दिया गया है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वो है ड्यूल वीडियो रिकॉर्डिंग का, यानी कि आप एक साथ आप फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये फीचर अक्सर कम फोनों में दिखाई देता है, लेकिन आजकल ये फीचर हमें काफ़ी फोनों के अंदर दिखाई देने लग गया है, वो भी 15,000 के नीचे। नहीं तो पहले ये फीचर कम से कम 25-30,000 रुपए के फोनों के अंदर आया करता था। बैटरी की बात की जाए तो इसके अंदर 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी और 18 वोल्ट का चार्जर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस यानी कि प्रोसेसर की। तो इसके अंदर हमें मिलेगा MediaTek Dimensity 6300 का एक 6 नैनोमीटर पर काम करने वाला 5G प्रोसेसर। अंतुतु स्कोर इसका लगभग 4,20,000 के आसपास निकल कर आता है। तो प्रोसेसर इतना बुरा नहीं है, अगर आपको गेमिंग करनी है या फिर और अगर आपको हैवी टास्क करने हैं तो प्रोसेसर हाँ हैंडल कर सकता है। इसी के साथ इनफिनिक्स का अपना OS मिलेगा XOS 14, और उसी के साथ Android 14 देखने को मिल जाएगा LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज के साथ में। अदर फीचर्स की बात की जाए तो इसके अंदर 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा और इस 15,000 रुपए के फोन के अंदर NFC का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। डुअल स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे, वाईफाई 5 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको AI एनहेंसर आपको मिल जाएगा, यानी कि आप अपनी लो क्वालिटी इमेज को हाई क्वालिटी इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको AI इमेज जनरेटर में मिल जाएगा, यानी कि आपको बस कोई प्रॉम्प्ट डालना है, आपको बस कोई सेंटेंस लिखना है कि आपको इस तरह की इमेज चाहिए और वो इमेज जनरेट हो जाएगी। वेरिएंट्स की बात की जाए तो 2 वेरिएंट्स के अंदर ये फोन देखने को मिलेगा, 8GB 256GB और 12GB 256GB। जो 8GB वाला वेरिएंट है उसकी आप 8GB रैम और बढ़ा सकते हैं, यानी कि हो जाएगा टोटल 16GB, और ऐसे ही 12GB रैम वाले फोन की आप 12GB और बढ़ा सकते हैं, तो हो जाएगा टोटल 24GB। और रही बात प्राइस की, तो वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन खोलिए और वहां से आपको प्राइस की डिटेल मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने इस फ़ोन के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी है कि कौन से फीचर्स इस फ़ोन के अंदर मिलेंगे। अगर इस फ़ोन को लेकर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा।